अरे कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल चल रहा है? सब चंगा सी? चलो आज का एपिसोड एक्चुअली बॉस स्पॉटलाइट के बारे में होने वाला है। कौन सा बॉस कहाँ मिलता है और उससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जो है एक बेस्ट और मोस्ट डिमांडिंग जो वेपन है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो, ये मेरा वो एक्चुअली नया कैरेक्टर है, ये रेंजर क्लास है। ये रेंजर क्लास, तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ मार्केट प्लेस है, सेंट्रल मार्केट प्लेस जो है, सेंट्रल मार्केट जहाँ पे हर चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे जब आप मेन वेपन में जब जाते हो आप, तो यहाँ पे कोई भी मेन वेपन उठा लो, यहाँ पे दो जो है वेपन येलो कलर के आपको दिख रहे हैं। ये दोनों येलो कलर के ना, येलो कलर के जो भी एक्सेसरीज होते हैं, वेपन होते हैं, वो मतलब कि टॉप के होते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। कजारका जो है, कजारका या जारका बोल दो, जारका जो वेपन जो होते हैं वो सबसे डिमांडिंग है। जैसे ये टेट है, टेट यानी कि चार बार हो गया लास्ट, जो पेन बोला जाता है सबसे लास्ट, सबसे टॉप मोस्ट जो होता है पेन होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू अभी देखो 18 बिलियन है, ठीक है, और सीधा 18 गुना ज़्यादा है इससे, 17 गुना ज़्यादा। तो टेट जो है, टेट लॉन्ग शॉर्ट जो है, अब इसकी कीमत जो है 1.9 बिलियन है। तो ऐसे ही सबके जो है ना, सबके जो है, जैसे मैं मेरा कैरेक्टर है यूज़ करता ही है, सबके सेम प्राइस होंगे 18.1 बिलियन और 1.9 बिलियन टेट। ट्राई बहुत सस्ता है, ट्राई तक इजीली लोग जो है अपने वेपन को एन्चेंट कर लेते हैं, पर ट्राई के बाद टेट और पेन, पेन सबसे पेनफुल है, इसीलिए उसका नाम शायद पेन रखा इन लोगों ने। तो ये कजार का बॉस बॉस वेपन है, सबके सेम प्राइस होंगे, जार का, ये जकाजार का, जार का जो भी है। उसके बाद सेकेंड जो है, अभी कुछ दिन पहले ऑफिन आया था, ऑफिन टेट्स वेपन, इनका जो प्राइस उससे ज़्यादा होता है, तो इनकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है, 834 है, इसका 3 डैमेज ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी मेरे जारका की जो है ना 184 है और इसकी 166 है। अब एक्यूरेसी को समझना, अब एक्यूरेसी मतलब कि आपका जो वेपन जो है डैमेज जो है ना उसका परसेंटेज बढ़ता है। तो मेरा 3 अगर ये देता हूँ और 166 का एक्यूरेसी रहेगा, तो ऑलमोस्ट दोनों का डैमेज सेम ही होगा। क्रिटिकल हिट जो है इसका +2 है और मेरा जो है जारका का, इसके पास क्रिटिकल डैमेज नहीं है। कास्टिंग स्पीड जो है +2 है और इसका अटैक स्पीड +3 लेवल है। तो ये क्रिटिकल हिट जो होता है, एक्चुअली क्रिटिकल हिट मतलब कि आप एक तरह से अनुमान जो है डैमेज से लगा सकते हो। तो इफ़ योर क्रिटिकल हिट इज़ हाई, देन आप जो है ज़्यादा डैमेज करोगे, जितना परसेंट ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट का डैमेज रेट आपका बढ़ेगा, ठीक है। एक कैरेक्टर में टोटल 5 क्रिटिकल हिट होता है, तो ये ऑफिन टेट ज़्यादा डिमांड में है आजकल, तो और जारका जो है, जारका भी डिमांड में है, दोनों के प्राइस जो है लो नहीं होते। जारका एक्चुअली स्पॉन कहाँ पे होता है, कजारका, जारका के, जारका हाइडल सिटी से जब आप नीचे की तरफ आओगे ना, नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे आप आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये है सरेंडिया श्राइन। तो ये हाइडल सिटी के जस्ट नीचे ही सरेंडिया श्राइन है, यहीं पे वर्ल्ड बॉस जो है स्पॉन होता है, इनके टाइम होते हैं। तो ये सरेंडिया श्राइन है, यहाँ पे आपको जारका जो है स्पॉन होता है, उसका टाइम होता है, टाइमर आपको मिल जाएगा, हर सर्वर में अलग अलग टाइम होते हैं आने के लिए। तो मैं अभी स्विच कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर पे जो कि जारका में बैठा हुआ है, और वहाँ पे अपन लोग देखेंगे इसकी फाइट कैसे होती है। और वर्ल्ड बॉस का मतलब ये होता है कि ये फ्री बॉस होता है, इस पे पूरे सर्वर के कोई भी लोग जो होते हैं आपको डैमेज कर सकते हैं। तो ये मैं श्राइन के अंदर हूँ, ये देखो मैं श्राइन के अंदर आ चुका हूँ, मेरा ये जायंट वेरस्कर जरकर जो भी है ये। तो यहाँ पे बॉस स्पॉन होने के बाद वर्ल्ड में कोई भी प्लेयर है वो इस पे अटैक कर सकता है और मार सकता है। तो उसके बाद एक चांसेस होते हैं जारका के मरने के बाद जो है,
कुछ सामान ड्रॉप करते हैं, सामान सबको मिलता है, जितने लोग वहाँ फाइट में हिस्सा लेते हैं ड्रॉप सबको मिलता है, लेकिन जारका वेपन बॉस और लिवर्टो एक और वेपन है जो कि जारका से थोड़ा नीचे का आता है, थोड़ा सा नीचे का डैमेज एक्चुअली दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट है क्योंकि जारका जो है ना ह्यूमन पर ज़्यादा डैमेज देता है, लिवर्टो जो है मॉन्स्टर पर ज़्यादा डैमेज देता है। इन्हीं में तो चलो इस फाइट को अंजाम देते हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या मिलता है हमारे को, नहीं मिलता है। तो ये फाइट जो है अभी ख़त्म हो चुकी है और दिक्कत ये है कि मेरे को कुछ नहीं मिला, बस थोड़े से रैंडम से ये सामान जो आप देख रहे हो मेरी इन्वेंट्री में ये मेरे को मिला हुआ है, और चांसेस की बात है आरएनजी बोला कि ड्रॉप होगा तो भाई मिला, और बाकी दूसरों को मिला तो ऐसे ही ड्रॉप होता है, वो बॉस जो है किसी को भी दे सकता है, किसी को ड्रॉप हो सकता है, अगर आपका ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको मार्केट प्लेस से जाके ख़रीदना पड़ेगा जो कि एक्सपेंसिव है, और फिर उसको जो है उस ग्रेड से जीरो लेवल से लेके आपको पेन तक पहुंचना है या टेट तक पहुंचना है या ट्राई तक पहुंचना है। ड्रॉप रेट जो है वो थोड़ा सा इनको यार कुछ तो फिक्स करनी ज़रूरत है क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ यार कि मेरे को इसी सर्वर में आज तक मेरे को लूट नहीं मिला है, किसी बॉस से आज तक मेरे को ड्रॉप नहीं मिला, मैंने बहुत सारे वर्ल्ड बॉस पे हिस्सा लिया लेकिन मेरे को मिला नहीं है, तो ये रैंडम चीज़ें हैं, लक की बातें हैं कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो चलो एनीवे गाइज, तो ये रहा पूरा स्ट्रेटजी, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, आपको कौन सा हथियार जो है वो सेलेक्ट करना है, और उसकी बॉस फाइट कहाँ पे होती है, ये आपको जो स्पॉटलाइट के थ्रू मैंने आपको बताया, बॉस स्पॉटलाइट। और चलो फिर मिलेंगे,
अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके। तब तक के लिए चलो बाय, हैव फन, एंजॉय गाइज, घर पे रहो, सेफ रहो।